क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी। मुन्नी पूरा नाम क्या है? मुन्नी है। तो आप क्यों कर रही हो काम? आपके हस्बैंड नहीं है? ना, खत्म है गए। खत्म है गए? हाँ। कितने साल पहले? नौ साल पहले। 9 साल हो रही है? हाँ। तो बच्चे बच्चे नहीं, कुछ जवान बच्चे नहीं? बच्चे जवान है, वो कमाए के दे में ना। कमा के नहीं देते आपको? कहाँ रहते हो? किराए पे रह रहे हैं, नसबंदी कॉलोनी में। अच्छा, कितना किराया लेते हो? हम 2000। कितना? 2000। तो घर में कौन और कमाने वाला, मतलब कैसे चलता है? कमाने वाले तो सब हैं, बड़ बड़े तो मैंने अलग कर दे, वो कमाए के ना देवे। अच्छा, अब ये तीन है, एक तो छतरपुर का काम पे, ये मूर्ति के काम पे, ये कबाड़े काम करे, एक बेंगलोर गाड़ी चलावे। तो अच्छे खासे तो हैं आपके? हाँ, बच्चे तो फिर क्यों करते हो फिर इतना काम? काम नो करूँ कि मुझे पैसा दे मैं ना। ओहो, ये परेशान। कितने 5 बच्चे हैं तुम्हारे? 5 हैं। 5 लड़के? हाँ। 5 लड़के हो के भी एक माँ को नहीं पाल सकते? नहीं। ऐसा तो नहीं है तुम खुद ही जाती हो, बच्चे मना करते नहीं, हो कि नहीं, नहीं नहीं घर पे बैठो तुम, करती हो काम ये? अरे नहीं, आजकल कौन मने करे। तो 5 में से कोई ख्याल नहीं रखता आपका? बेंगलोर वालों की एक, तुम घर में बैठो, हम दम नहीं। जब आपके बेटे ने कहा आपको कि भाई बेंगलोर से मैं भेजूंगा आपको? ना भेजे, वो ना भेजे। अच्छा, भेजता नहीं आपको? कहने को कहा है, कह ही दिए, कौन भेज रहा है? ये तो ये पूरा दिन ये चुपती रहती हो तुम? हाँ। तो कितने कितने पैसे मिलते हैं आपको? 300-400 हो जाते हैं पूरे दिन? लेकिन तुमने अम्मा हालत क्या ना रखी अपनी, तुमने अपना हालत देखी तुमने? क्या बिल्कुल चप्पल नहीं है, मतलब। तो 5 बेटों में से कोई भी नहीं आपके ध्यान रखता? कोई ना रखे, सब ऐसे ही। अब हम तुम्हारी ये वीडियो नेट पर डालेंगे। अच्छा। अब दिखाएंगे तुम्हारे बच्चों को कि देखो तुम्हारी माँ किस हालत में है। 5 बच्चे होने के बाद भी, 5 बेटे होने के बाद भी तुम एक माँ नहीं पाल सकते अपनी, ठीक है ना? बेटी बेटी है? बेटी ना। बेटी ना है? 5 बेटे हैं? देख लो भैया, 5 बेटों की माँ की क्या हालत है। लो चलो, ये तुम्हारे बेटे की तरफ से। खुश हो? खुश है। खुश है। क्यों परेशान हो? बस परेशान यही है कि बस ओला ढंकी होती था काय की डोलती। लो, एक औलाद जब करते हैं तो ऊपर वाला रास्ते खोलता है, ठीक है ना? परेशान मत हो। चलो ठीक है, वीडियो देखेंगे तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बेटे जब आएंगे तुम्हारे पास में बोलेंगे कि मम्मा रो क्यों रही हो, क्यों रो रही हो बताओ, बच्चों की खातिर क्यों रो रही हो बताओ। अच्छा बताओ, देख लो ये क्या हालत है। ये 5 बेटों की एक माँ है और ये काम करती है, ठीक है? तो अपनी माँ को कभी भी अकेला मत छोड़ो भाई। 5 बेटों की अकेली माँ है और देख लो माँ की क्या हालत है। रो रही है माँ, दिखाइए, रो रही है कि 5 बेटे हैं, 5 बेटे के होने के साथ साथ ये पूरा दिन ये काम करती है। चलो रो मत, ठीक है ना? ऊपर वाला सबके साथ में है, ठीक है अम्मा? परेशान मत हो, जैसे आपने आपकी हेल्प की आगे भी कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। परेशान क्यों? देखा आपने, एक माँ जो जिसने अपने 5 बच्चों को पाल के इतना बड़ा किया और उस माँ को 5 बच्चों में से कोई देखभाल नहीं करता, आज वो माँ मजबूर है रोड़ों पे धक्के खाने के लिए, आज वो माँ मजबूर है अपना पेट पालने के लिए किराए के मकान में रहती है। 5 बेटे हैं और 5 के 5 अगर इनका ख्याल रखती तो शायद इन्हें ये काम ना करना पड़ता, और हो सकता है कि ये इनके बच्चे इनको मना भी करते हों। लेकिन सोचने वाली बात है कि आप की माँ ये काम क्यों कर रही है, क्या परेशानी है, आप आके देखिए उन्हें। तो हमेशा मैं अपनी वीडियो कहता हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि ये वो दौलत है जो कभी नहीं मिलने वाली। आपको सब चीज़ मिल जाएगा लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलने वाले। तो ज़िंदगी रहते इनकी कदर करो, क्योंकि अगर आपने कदर की तो आपकी आखिरत भी अच्छी, आपकी दुनिया भी अच्छी। अगर तरक्की चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।